बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैर वापस से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम क्लास 6 जनरल साइंस चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स, यानी कि पौधों में रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे विजिट कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, वेयर डू लिविंग थिंग्स कम फ्रॉम, जानदार कैसे बनते हैं। आंसर है इसका, लिविंग थिंग्स आर फॉर्म्ड बाय द रिप्रोडक्शन, जानदार रिप्रोडक्शन के अमल से बनते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स, पौधों के मुख्तलिफ हिस्से कैसे नए पौधे बनाते हैं। इसका आंसर है, पार्ट ऑफ द प्लांट्स ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स बाय वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोटेक्शन रिप्रोडक्शन के जरिए पौधों के मुख्तलिफ हिस्से नए पौधे बनाते हैं। व्हाई आर फ्लावर्स इम्पोर्टेंट, फूल क्यों जरूरी है। आंसर है, फ्लावर्स आर इम्पोर्टेंट फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इंक्लूडिंग पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन। पौधों में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पोलिनेशन, फर्टिलाइजेशन और बीज के बनने में फूल अहम किरदार अदा करते हैं। नेक्स्ट हम इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तो चलते हैं हम इसकी एक्सरसाइज की जानिब। एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है जी, पोलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ, पोलिनेशन में मुंतकिल होते हैं पोलन ग्रैन। जाइगोट इज फॉर्म एज अ रिजल्ट ऑफ, जाइगोट किसके नतीजे में बनता है। आंसर है, फर्टिलाइजेशन। थर्ड है, जाइगोट डिवेलप्स इनटू, जाइगोट बनाता है एम्ब्रियो। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच स्टीम ऑफ अ प्लांट इज बरिंग इन सॉइल नियर द पेरेंट प्लांट। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की किस्म जिसमें तने को पेरेंट प्लांट के साथ जमीन में लगाया जाता है वो है जी लायरिंग। द ऑर्गन ऑफ अ प्लांट विच टेक पार्ट इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हिस्सा लेने वाला ऑर्गन है फ्लावर। द स्ट्रक्चर विच इज हेल्पफुल टू कैरी स्पर्म टू द ओवरी, स्पर्म को ओवरी तक ले जाने में मदद का साक्त है वह जी पोलन ट्यूब। नेक्स्ट है, विच इज द एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कुदरती वेजिटेटिव प्रोपागेशन की मिसाल है रनर्स ग्रोथ इनटू न्यू प्लांट, रनर जो नए पौधे बनाते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम अंडरगो स्टीम इज द एग्जाम्पल ऑफ, जेरे जमीन तने से नए पौधे का बनना मिसाल है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। फ्यूजन ऑफ अ स्पर्म विद टू पोलर न्यूक्लियर फॉर्म, स्पर्म दो पोलर न्यूक्लाई के साथ मिलकर बनाता है एंडोस्पर्म, मेल रिप्रोडक्टिव सेल, मेल का जिल्सी सेल है स्पर्म। सेकंड क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, 21 पेज पे और 24 पेज पे इसका आंसर मिलेगा। आंसर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है इन विच अ स्पर्म, जिसमें एक स्पर्म एंड एग फ्यूज टू फॉर्म अ जाइगोट, एग और स्पर्म मिलकर जाइगोट बनाता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग offspring young ones which does not involve fusion of male and female gametes and formation of zygote, ऐसा प्रोसेस जिसमें नए पैदा होने वाले जानदार के लिए ना तो मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं और ना ही जाइकोट बनता है। सेकेंड इज सेल्फ पोलिनेशन एंड क्रॉस पोलिनेशन, सेल्फ पोलिनेशन और क्रॉस पोलिनेशन के बारे में अपने बताना है, 21 पेज के ऊपर इसका आंसर मिल जाएगा। आंसर है, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंटर ऑफ अ फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर ए और द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट बी इज कॉल्ड सेल्फ पोलिनेशन।
पोलन ग्रहण का किसी एक फूल के एंथर से इसी फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होना या इस किस्म के किसी दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होना सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है। नेक्स्ट, दी ट्रांसफर ऑफ आ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम द एंथर ऑफ आ फ्लावर्स टू द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑन एन अदर प्लांट ऑफ द सेम स्पेसिस इज कॉल्ड द क्रॉस पोलिनेशन। पोलन ग्रेन का एंथर से दूसरे फूल के स्टिग्मा पर मुंतकिल होने का अमल क्रॉस पोलिनेशन कहलाता है। थर्ड है पोलन ग्रेन्स एंड ओवियल। पोलन ग्रेन और ओवियल्स के बारे में अपने बताना है, तो ये क्वेश्चन हमें टाइप हुआ मिल जाएगा, पोलन ग्रेन इज अ मेन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच गिव्स राइज टू स्पर्म। पोलन ग्रेन एक नर तुलिती साख्त है जो स्पर्म को जन्म देती है, और ओवियल इज अ फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर विच गिव राइज टू द एग सेल, और ओवियल मादा तुलिती साख्त है जो एक सेल को जन्म देता है। फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में अपने बताना है, पेज 21 के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। आंसर है द स्पर्म फ्यूजेस विद द एग एंड फ्रॉम जायगोट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। स्पर्म का एक साथ मिलकर जायगोट से बनाने का अमल फर्टिलाइजेशन कहलाता है। द अदर स्पर्म फ्यूज विद टू पोलर न्यूक्लियाई इन द ओवियल टू फॉर्म अ ट्रिपल एंडोस्कोप दिस इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। दूसरे स्पर्म और ओवियल में मौजूद दो पोलर न्यूक्लियाई के साथ मिलते हैं और ट्रिपलाइज एंड स्पर्म बनाते हैं, इसे डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन है बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, बडिंग और ग्राफ्टिंग के बारे में बताना है, 25 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। ग्राफ्टिंग के साथ टेक्निक यूज टू जॉइन द कट पीस फ्रॉम अ प्लांट विद सम अदर प्लांट इन सच अ वे दैट बोथ अपीयर्स टू बी ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। इस तकनीक में किसी पौधे का कटा हुआ हिस्सा दूसरे पौधे के साथ इस तरह जोड़ा जाता है। द कट पीस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्कायन एंड द प्लांट ऑफ विच इज अटैच इज कॉल्ड स्टॉक। के पौधे का यह कटा हुआ हिस्सा साइवन कहलाता है, जबकि जिस पौधे के साथ जोड़ा जाता है स्टॉक कहलाता है। टिश्यू ऑफ बोथ दीज पार्ट्स विल सून टू बी जॉइंट टुगेदर एंड ग्रो इनटू द न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट। द स्टॉक प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू द स्कायन। चंद ही दिनों को पौधे के टिश्यू आपस में मिलकर पौधे की एक नई वैरायटी बनाते हैं। स्टॉक साइवन को गजाई जा मुहैया करता है। बडिंग इज अ टेक्निक लाइक वाइज ग्राफ्टिंग इन दिस प्रोसेस अ बडिंग इज यूज अ स्कायन। बडिंग ग्राफ्टिंग से मिलती जुलती तकनीक है। इस अमल में बड एक साइवन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग टेक्निक्स आर सक्सेसफुली यूज्ड टू गेट न्यू वैरायटीज ऑफ मैंगोज एंड मेनी अदर बॉडी एंड नर्सरी प्लांट। The process need a great deal of skill. Grafting and budding technique give hand rest, duggers, tolerance or disease resistance. Grafting और budding दोनों आम और दूसरे सख्त तनों वाले पौधों और नर्सरी के पौधे उगाने के लिए कामयाब तकनीक है। ग्राफ्टिंग और बडिंग जैसे तकनीकें पौधों को सख्ती खुश्की को बर्दाश्त करना और बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत करने की ताकत फ्राहम करता है। नेक्स्ट नंबर 6 है सयन एंड स्टोक के मतलब आपने बताना है, 25 पेज के पीस का आंसर मिल जाएगा। द कट पीस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्कायन एंड द प्लांट्स ऑफ व्हिच इज अटैच इज कॉल्ड स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 2.3, पहला क्वेश्चन है नेम थ्री सेल्फ पोलिनेशन प्लांट्स। सेल्फ पोलिनेशन करने वाले तीन पौधों का अपने नाम बताने हैं, 21 पेज के पीस का आंसर मिल जाएगा। सेल्फ पोलिनेशन में कॉटन है, पी कॉटन एंड टोमेटो, और क्रॉस पोलिनेशन के अंदर शामिल है अमेजी पपाया एंड रोज ईटीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी नेम थ्री क्रॉस पोलिनेशन प्लांट्स, तो हमने वो भी देख ली है। नेक्स्ट है जी नेम द अंडरगो स्टीम दैट अंडरगो नेचुरल वेगिटेटिव प्रोपागेशन। जेर जमीन तने का नाम लिखे जिसमें कुदरती वेजिटेटिव प्रोडक्शन होती है, 24 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। तो नेचुरल वेगिटेशन प्रोडक्शन में पहला आएगा जी बल्ब, फिर आएगा ट्यूबर, और थर्ड आ जाएगा रनर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी व्हाट आर रनर्स, रनर्स के बारे में बताना है, 24 पेज के पीछे मिल जाएगा। रनर्स इन सम प्लांट्स सच आर स्ट्रॉबेरी एंड ग्रासेस स्टीम आर स्प्रेड हॉरिजॉन्टली अबव द ग्राउंड दिस स्टीम आर कॉल्ड रनर्स। रनर्स हैव नोड्स वेयर बर्ड्स आर प्रेजेंट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम द बर्ड्स। कुछ पौधे जैसे स्ट्रॉबेरी और घास में तने जमीन पर उफ की हालत में फैल जाते हैं। इन तनों को
रनर कहते हैं। रनर के ऊपर न्यूट्रॉन्स होते हैं जिससे ब्लड बनते हैं। नेक्स्ट इज नेम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कॉर्पल फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। कॉर्पल मादा गैमेट के मुख्तलिफ हिस्सों के अपने नाम लिखने हैं। इसमें आ जाएगा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। नेक्स्ट 2.4 है जी, पहला क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व प्रोडक्शन एंड फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। पौधों में जिनसी तुलीद के दौरान मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं। ए पार्ट है व्हाट आर गैमेट्स, गैमेट्स क्या होते हैं। द सेक्सुअल ऑर्गन इन लिविंग थिंग्स, जानदारों में जिनसी ऑर्गन्स गैमेट्स कहलाते हैं, जिसकी दो टाइप है। पहला जी मेल एंड फीमेल गैमेट्स, मेल गैमेट्स और फीमेल गैमेट्स। नेक्स्ट 2.4 का क्वेश्चन नंबर बी, सी, डी और क्वेश्चन नंबर 2 और 3, ये सारे क्वेश्चन जो उनसे वो टाइप क्वेश्चन है, तो अभी हम इसे भी देख लेते हैं। क्लासिक साइंस चैप्टर नंबर 2, तो पहला क्वेश्चन जी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैस। तो व्हाट आर गैमेट्स जो अभी हमने किया, और बी पार्ट है वेयर आर गैमेट्स प्रोड्यूस इन अ प्लांट बॉडी, पौधों के जिससे में गैमेट्स कहाँ बनते हैं। इन प्लांट्स मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इन एंथर विद फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन कॉर्पल। पौधों में मेल गैमेट्स एंथर जबकि फीमेल गैमेट्स कॉर्पल में बनते हैं। सी पार्ट है हाउ डू मेल एंड फीमेल गैमेट्स अप्रोच ईच अदर फॉर फ्यूजन, मलाप बनने के लिए मेल और फीमेल गैमेट्स कैसे दूसरे के करीब आते हैं। ड्यूरिंग पोलिनेशन पोलन ग्रैंड्स रीच द स्टिग्मा ऑफ कॉर्पल, पोलिनेशन के दौरान पोलन ग्रैंड कार्पल के स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ऑन स्टिग्मा अ पोलन ग्रैंड गर्मेट्स एंड फॉर्म थिन ट्यूब कॉल पोलन ट्यूब कंटेनिंग मेल गैमेट्स। स्टिग्मा पर पोलन ग्रैंड जर्म्स होते हैं और पतली ट्यूब बनाते हैं जिसे मेल गैमेट्स पर मुश्तमिल पोलन ग्रैंड कहते हैं। पोलन ट्यूब ग्रो पास डाउन थ्रू स्टाइल एंड रीच द ओवियल इन ओवरी, पोलन ट्यूब स्टाइल में से नीचे की तरफ बढ़ती है और ओवरी में मौजूद ओव्यूल तक पहुंचती है। व्हाई डू मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर, मेल और फीमेल मादा आपस में क्यों मिलते हैं। मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज विद ईच अदर टू फॉर्म जाइगोट विच इज फर्स्ट बेसिक यूनिट ऑफ आर न्यू इंडिविजुअल। मेल और फीमेल गैमेट्स आपस में मिलकर जाइगोट बनाता है जो किसी तने बनने वाले जानदार के वजूद का पहली इकाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी अ फ्लावर कैन प्रोड्यूस मिलियंस ऑफ पोलन ग्रैंड्स एंड लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स, व्हाई डू थिंक इट, एक फूल मिलियन की तादाद में पोलन ग्रैंड बनाता है जबकि ओव्यूल कम तादाद में बनाता है, आपके ख्याल में ऐसा क्यों है। पोलन ग्रैंड्स आर प्रोड्यूस इन द लार्ज क्वांटिटी टू मेक श्योर एट लीस्ट सम ऑफ देम रीच इन द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, पोलन ग्रैंड कसी तादाद में बनते हैं ताकि यकीनी तौर पर इसमें से कुछ फूल के स्टिग्मा तक पहुँच जाए। What do you think is the most effective way of plants reproduction? The most effective and most common way to reproduction plants in sexual reproduction. The next question number 4 है, describe the advantages of artificial vegetation propagation in plant. पौधों में मसनूई वेगिटेशन के फायदे आपने लिखने हैं। 26 पेज के ऊपर इसका आंसर मिलेगा। Advantages of artificial propagation. तो पहला जी produce better varieties of fruit and vegetables. फूल और सब्जियों की बेहतर वैरायटी पैदा करना। ग्रो रिक्वायर्ड फूड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स अगेन एंड अगेन, मतलूबा खुराक के हामिल पौधों को बार बार उगाना। प्रोड्यूस सीडल फ्रूट्स, एग्जांपल है ऑरेंज, ग्रेप्स, बनाना एटीसी। बगैर बीज वाले फूलों को पैदा करना, मसलन ऑरेंज, अंगूर और केला वगैरह। कंबाइन गुड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ टू डिफरेंट वराइटीज इन अ न्यू प्लांट, नए पैदा होने वाले पौधों में दरकार पसंदीदा खसूसियात का होना। नेक्स्ट चीज राइट अ ब्रीफ नोट, आपने बताना है कटिंग, लेयरिंग, क्रॉफ्टिंग और बडिंग के ऊपर। तो 25 पेज के इसका आंसर मौजूद है। कटिंग, इन दिस प्रोसेस अ पार्ट ऑफ अ प्लांट सच अ स्टीम हैविंग बर्ड्स ऑन इट कट एंड प्लांट इन द सोइल। कटिंग, इस तरीका में ऐसा तना जिसमें बर्ड मौजूद हो काट कर जमीन में लगाया जाता है। आफ्टर सम डे बर्ड्स ऑन द अंडरगो पार्ट ऑफ द कटिंग ग्रो इन टू रूट्स एंड द बर्ड्स ऑन द रियर रूट्स ऑफ द कटिंग ग्रो टू फॉर्म स्टीम एंड लीव्स। चंद दिनों के बाद जेर जमीन हिस्सा से जले निकलती है जबकि ऊपर वाले हिस्से से तना और पत्ते बनाते हैं। रोज, बोगनविलिया, शुगर कैन ईटीसी आर द प्लांट डेट कैन बी ग्रो यूजिंग दिस तकनीक। गुलाब और गन्ना वगैरह इस तकनीक से उगाए जाते हैं।
लेयरिंग इज द प्रोसेस ऑफ आर्टिफिशियल प्रोपागेशन ऑफ प्लांट्स ड्यूरिंग विच यंग ब्रांच ऑफ द प्लांट इज बेंट टू द ग्राउंड एंड कवर्ड विद मॉइस सॉइल। मशरूम प्रोडक्शन की इस किस्म में और जो इन पौधों की शाख को तोड़ कर जेर जमीन मिट्टी से डांप दिया जाता है, आफ्टर अ फ्यू डेज रूट्स ग्रो इनटू द सॉइल फ्रॉम द कवर पार्ट ऑफ द ब्रांच द अटैच स्टीम विद द रूट्स इज कार लेयर द ब्रांच कैन नो बी कट फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। चंद दिनों के बाद डंपे हुए हिस्से से जड़ निकलती है, जड़ के साथ जुड़ा हुआ तना लेयर कहलाता है। अब इस शाख को पेरेंट से अलग-अलग काटा जा सकता है। ग्राफ्टिंग के साथ तकनीक यूज टू जॉइन द कट पीस फ्रॉम अ प्लांट विद सम अदर प्लांट इन सच अ वे दैट बोथ पेयर्स टू बी ग्रो एज अ सिंगल प्लांट। इस तकनीक में किसी पौधे का कटा हुआ हिस्सा दूसरे पौधे के साथ इस तरह जोड़ा जाता है। द कट पीस ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड स्कियन एंड द प्लांट ऑफ व्हिच इज अटैच इज कॉल्ड स्टॉक। के पौधे का यह कटा हुआ हिस्सा साइवन कहलाता है, जबकि जिस पौधे के साथ जोड़ा जाता है स्टॉक कहलाता है। टिश्यू ऑफ बोथ दीज पार्ट्स विल सून टू बी जॉइंट टुगेदर एंड ग्रो इनटू द न्यू वैरायटी ऑफ द प्लांट। द स्टॉक प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स ऑफ टू द स्कियन। चंद ही दिनों को पौधे के टिश्यू आपस में मिलकर पौधे की एक नई वैरायटी बनाते हैं। स्टॉक साइवन को गजाई जा मुहैया करता है। बडिंग इज अ टेक्निक लाइक वाइज ग्राफ्टिंग। इन दिस प्रोसेस अ बडिंग इज यूज अ स्कियन। बडिंग ग्राफ्टिंग से मिलती तकनीक है। इस अमल में बड एक साइवन के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग टेक्निक्स आर सक्सेसफुली यूज्ड टू गेट न्यू वैरायटीज ऑफ मैंगोज एंड मैनी अदर वुडी एंड नर्सरी प्लांट। द प्रोसेस नीड अ ग्रेट डील ऑफ स्किल। ग्राफ्टिंग एंड बडिंग टेक्निक गिव हैंड रेस्ट डगर्स टॉलरेंस और डिसेसिस रेजिस्टेंस। ग्राफ्टिंग और बडिंग दोनों आम और दूसरे सख्त तनों वाले पौधों और नर्सरी के पौधे उगाने के लिए कामयाब तकनीक है। ग्राफ्टिंग और बडिंग जैसे तकनीकें पौधों को सख्ती खुश्की को बर्दाश्त करना और बीमारियों के खिलाफ मुजाहमत करने की ताकत फ्राहम करता है। तो ये थे मेरे पास एक्सेस के क्वेश्चन। नेक्स्ट हम इसकी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्टिविटी 2.1 है जी, आपने करेक्ट और इनकरेक्ट के मतलब बताना है। कहा जा रहा है पोलन ग्लैंड प्रोड्यूस इन द एंटर ऑफ अ स्टिग्मा और फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कंटेनिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव न्यूक्लाई। स्टिमन के एंथर में बनने वाले पोलन ग्लैंड मादा तुरीदी सेल्स कहलाते हैं जिसमें मादा न्यूक्लाई होते हैं। यह इनकरेक्ट है। इसमें क्या होगा, इसमें आंसर आएगा पोलन ग्लैंड प्रोड्यूस इन एंथर ऑफ अ स्टिग्मा और मेल प्रोडक्टिव। यहाँ पे आपने मेल लिखना है, प्रोड्यूस सेल्स कंटेनिंग फीमेल की जगह पे भी आपने मेल लिखना है रिप्रोडक्टिव इन न्यूक्लाई, देन आपका मुकम्मल हो जाएगा। अगेन देखिए आंसर होगा पोलन ग्लैंड प्रोड्यूस इन एंथर ऑफ अ स्टिग्मा और मेल रिप्रोडक्शन सेल्स कंटेनिंग मेल रिप्रोडक्शन न्यूक्लियाई। ये आपने यहाँ पे इसका आंसर आपने लिख देना है और यहाँ पे अपने इनकरेक्ट लिखना है। नेक्स्ट कहा जा रहा है एग्स आर प्रोड्यूस इन ओव्यूल डेवलपिंग इन द ओवरी अ पार्ट ऑफ द कॉर्पल ऑफ अ फ्लावर। अंडे ओव्यूल में बनते हैं जबकि ओवरी में डुबा होते हैं। तो ये आंसर इसका करेक्ट है, यहाँ पे अपने कुछ भी नहीं लिखना। स्पर्म सेल आल्सो कॉल मेल सेक्स सेल। स्पर्म सेल नर सेल भी कहलाते हैं, ये भी करेक्ट है। ओवा आर एग्स आर सो कॉल्ड द मेल सेक्स सेल्स। तो इसका आंसर गलत है, यहाँ पे भी मेल की जगह पे फीमेल आ जाएगा। तो इसका इनकरेक्ट लिखना है और यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा ओवा और एग आर आल्सो कॉल्ड फीमेल सेक्स सेल। नेक्स्ट इज साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। कहा जा रहा है सर्च एंड अरेंज आर फ्लावर्स ऑफ चाइना रोज, काउंट द नंबर ऑफ कार्पल्स इन अ फ्लावर। चाइना रोज तलाश करना और तरतीब देना है और हर कार्पल में फूल की तादाद मालूम करनी है। तो आंसर होगा नंबर ऑफ कार्पल्स इन अ फ्लावर ऑफ चाइना रोज इन 5। चाइना रोज में फूल के कार्पल की तादाद 5 होती है। नेक्स्ट 2.3 असाइनमेंट है। तो क्या पहला दी चाइना रोज फ्लावर्स ऑलवेज हैव ओनली 1 कार्पल। चाइना रोज में हमेशा एक कार्पल होता है, इनकरेक्ट है। उसमें कितने होते हैं, 5 कार्पल होते हैं। तो आंसर आपने यहाँ पे जो आंसर लिखना आपने वो होगा चाइना रोज फ्लावर ऑलवेज हैव 5 कार्पल्स। कहा जा रहा है सेक्स रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स मेल एंड फीमेल बॉडी पार्ट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मेल और फीमेल माता का स्टॉप होता है, तो ये करेक्ट है। मेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। मेल गैमेट्स ओव्यूल बनाते हैं, ये इनकरेक्ट है। वो मेल नहीं बनाता, वो फीमेल बनाता है। तो यहाँ पे जो इसका आंसर हमने लिखना है वो हो जाएगा फीमेल गैमेट्स आर फॉर्म्ड इन द ओव्यूल। ये थे मेरे पास चैप्टर नंबर 2 रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स।